सरोवर नील ने बताया कि नदियां पार करण की खातर एक दिया कंठारे तार, छोटा भाई पार तार दिया फिर नदिया की बड़गी धार। पिता डूब गए दरिया में, हम रह गए दोनों बार और पार, लाड करणिया चले गए हमारी सारी कथा करी विस्तार। राम रतन भगवान भरोसे है हमारी जिंदगानी। जब उन बच्चों ने अपनी बात बताई कि हमारे पिता इस दरिया के अंदर डूब गए हैं, हमारी माता को सौदा करके उस भटियारी ने कहीं बेच दिया है, अब हमारा इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है, धोबी और धोबन के कोई संतान नहीं थी, उन्होंने उन दोनों बच्चों को अपनी संतान समझ करके अपने पास में रख लिया। और परमात्मा की नजर होती है, क्योंकि राजा अंब उस दरिया के अंदर डूब गए और डूबने के बाद में बहते हुए जा रहे थे, तो बताते कि जब दरिया में बहते हुए जा रहे थे, धारा नगर का राजा जिसकी मृत्यु हुई, और मरने से पहले राजा ने यह कहा कि मेरी अर्थी के सामने अगर कोई बाहर का जो इस राज का रहने वाला ना हो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, उसके कोई संतान नहीं थी, तो इस राजपाट को उसको सौंप देना। साथियों, राजा अंब बहते हुए उस दरिया के अंदर डूबते हुए यानी कि जा रहे थे, लोगों ने देखा राजा को, क्योंकि शमशान की तरफ लेकर के जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उस बहते हुए आदमी को देखा तो उस बहते हुए आदमी को उस दरिया से बाहर निकाल लेते हैं, और संयोग से राजा अंब जीवित बच जाते हैं, उनकी जान बच जाती है। तो राजा अंब को वो धारा नगर का यानी कि राज मिल जाता है, वहां के राजा बना दिए जाते हैं। समय बीता, रानी अमली ने यह कहा कि सौदागर, अगर तू मुझे अपनाना चाहता है तो मैं आपसे एक विनती करती हूं, एक प्रार्थना करती हूं कि क्या पहले मुझे वचन दो, तुम मेरी शर्त मान लोगे। कि देता हूं वचन, बताइए क्या शर्त है। कि मेरी यह शर्त है कि तू 12 साल तक मेरे प्रति यानी कि मेरे पास में नहीं आएगा, 12 साल के बाद में मैं तुझसे विवाह कर लूंगी, तेरे साथ में पति और पत्नी का नाता बना करके रह लूंगी, तुझे स्वीकार कर लूंगी, अगर तू मेरा ये वचन स्वीकार कर सकता है तो मान। सौदागर ने कहा कि ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, 12 साल का इंतजार बहुत लंबा होता है। सौदागर ने 12 साल का इंतजार किया, और वो बच्चे, क्योंकि धोबी और धोबन ने उनका पालन पोषण किया, बड़े हो गए तो नौकरी की तलाश में गए, और नौकरी की तलाश में गए तो राजा अंब के उसी धारा नगर के अंदर जाकर के उन दोनों को नौकरी मिल जाती है। और नौकरी मिली यानी कि वहां की फौज में उनकी, वहां पर उनकी जो फौजमैन ड्यूटी मिल गई, नौकरी मिल गई। संयोग से 12 साल का समय पूरा होने वाला है, और सौदागर का जहाज एक बार धारा नगर के पास में जाकर के रुका, तो सौदागर ने कहा कि मेरे राज के अंदर, क्योंकि आपके राज के अंदर मेरा जहाज रुका हुआ, बहुत सामान है, मेरी घरवाड़ी है, और भी लोग हैं, इस जहाज की हिफाजत के लिए मुझे संतरी चाहिए, पहरेदार चाहिए, तो आज सरवर और नीर की ड्यूटी वहीं पर जा लगती है। सरवर और नीर की ड्यूटी जा लगी, रात का समय है, दोनों भाई पहरे पर थे, रानी अमली अंदर थी, और छोटा भाई जिक्र करने लगा कि भैया रात ऐसे तो कटने वाली नहीं है, कोई कहानी बता दे, कोई जिक्र कर। तो कहता कि बताओ कैसी बात सुनना चाहता है, कोई अपबीती बताऊं या कोई जगबीती बताऊं। कि जगबीती तो कहानी बहुत दुनिया की सुनी, आज कोई अपबीती कहानी कह लेते हैं। तो वहां पर जिक्र होने लगता है, दोनों भाइयों के बीच में बातचीत हो रही है, रानी अमली अंदर जहाज के अंदर उन सब बातों को सुन रही है, कैसे क्या वर्णन होता है, सुनी रानी। ओ रे अखियों के मैं नींद मेरे रड़के रे, लड़के रे, सुन मेरे सरवर भाई तू, ओ अखियों के मैं नींद मेरे रड़के रे, रड़के रे, सुन मेरे सरवर भाई तू, सुन ले सरवर भाई तू, नाके डर पत्ता भी जोया
यहां खड़के रे खड़के रे। सुन मेरे नीर भाई तू, सुन मेरे नीर भाई तू, अखियों के मैं नींद मेरे रड़के रे रड़के रे। सुन ले सरवर भाई तू, सुन ले सरवर भाई तू। कहानी कह दे कोई तू जिस ते नींद सतावे ना। अब बीती कह दू कथा जग बीती कोई आवे ना। सुना दिए एहसान तेरा भाई देर लगावे ना। हुंकारे भरने पड़े ना बात कही कोई जावे ना। हुंकारे भरने पड़े बात कही कोई जावे ना। चोरा के डर से मेरी छाती धड़के रे धड़के रे। सुन ले सरवर भाई तू, ओ मेरे सरवर भाई तू। ना के डर पत्ता भी जो यहाँ खड़के रे खड़के रे। सुन मेरे नीर भाई तू, सुन मेरे नीर भाई तू। अमृत सर राजधानी थी राज दे दिया खदान में। ठाडू ठाडू बोलिए इब आई मेरे कान में। पिता अम्ब अम्बली माता मैं और तू संतान में। इतनी ही तो बात है आई मेरे ध्यान में। इतनी ही तो बात है आई मेरे ध्यान में। गिर पड़ के रे गिर पड़ के रे। सुन मेरे नीर भाई तू, सुन मेरे नीर भाई तू। ओ अखियों के मैं नींद मेरे रड़के रे रड़के रे। सुन ले सरवर भाई तू, ओ मेरे सरवर भाई तू। सर हमें के कौन सा बबाल था। भटियारी के नौकर हो के भारा बुरा हाल था। कैसी थी स्वभाव की कैसा उसका ख्याल था। पहले सी थी भोली थी फिर गेरा उसने जाल था। पहले सी थी भोली थी फिर गेरा उसने जाल था। लकोली काठे लड़के रे लड़के रे। सुन मेरे नीर भाई तू, सुन मेरे नीर भाई तू। ओ अखियों के मैं नींद मेरे लड़के रे लड़के रे। सुन मेरे सरवर भाई तू, सुन मेरे सरवर भाई तू। याद से
आए थे नदी के तीर, पिता डूब गए दरिया में, न्यारे हो गए सरवर नीर। न्यू ही हो गया हम दोनों का धोपी के घर साजा सीर, न्यू ही हो गया हम दोनों का धोपी के घर साजा सीर। राम रतन कथे छंद ने घड़के रे घड़के रे, सुन मेरे सरवर भाई तू, ओ मेरे नीर भाई तू, ओ अखियों के मैं नींद मेरे लड़के रे लड़के रे, सुन मेरे सरवर भाई तू, ओ मेरे सरवर भाई तू, अल्लाह के डर पत्ता भी जो यहाँ खड़के रे खड़के रे, सुन मेरे नीर भाई तू, सुन मेरे नीर भाई तू।